तो वह स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube के चैनल में। मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हैं टेक्निकल हैबिट। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि मीशो एप्लीकेशन से आप ऑनलाइन शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। ये रहा मीशो एप्लीकेशन, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। ये फ़ोन में, ये प्ले स्टोर में आपको मीशो में मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मीशो से इसको इंस्टॉल कर लेना है और इससे ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग ऐप है ये मीशो, और इससे ऑनलाइन शॉपिंग कैसे करते हैं, मतलब कि ऑर्डर कैसे करते हैं और ऑर्डर कैसे आता है, वो सब कुछ बताने वाला हूँ। यहाँ पे ऑर्डर कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर कैसे लगाते हैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। और यहाँ पे मीशो एप्लीकेशन को सीधे मैं ओपन करता हूँ और यहाँ पर ये जो वीडियो है लेटेस्ट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर अपडेट जो आया हुआ था उसके बाद ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर जैसे ही आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा चूज लैंग्वेज का, मतलब कि आपको अपना भाषा सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ये जो मेरा भाषा है वो मैं इंग्लिश रखना चाहता हूँ। यहाँ पे आप हिंदी भी रख सकते हैं। यहाँ पे मैं इंग्लिश रख लेता हूँ। इंग्लिश रखने के बाद देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। जैसे ही ये ओपन होता है यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा हुआ है हेलो लेट्स शॉप, और यहाँ पे बहुत सारा है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक आ गया साइन अप टू अनलॉक ग्रेट डील। यहाँ पे कंटिन्यू पे आप क्लिक कर सकते हैं या फिर फिलहाल यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं फिलहाल मैं कट करता हूँ। बता देता हूँ इसको खरीदे कैसे हैं। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस पर आईडी कैसे बनाते हैं। यहाँ पे ख़रीदने से पहले मैं आपको आईडी बनाना बता देता हूँ। यहाँ पे नीचे में देखिए अकाउंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है ना साइन अप, यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप साइन अप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मेरा ट्रू कलर है, यहाँ पे मैं ट्रू कलर से यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करना चाहता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है यूज अनदर मोबाइल नंबर, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपको ऐसा ही कुछ ऑप्शन आएगा, जैसे देखिए अभी फ़िलहाल में ऑप्शन आ रहा है ना, ऐसा ही आपको ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे ही मोबाइल नंबर डाल देते हैं यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही कंटिन्यू पे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ ओटीपी, यहाँ पे ऑटोमेटिक ओटीपी आ जाएगा और फिल हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे ओटीपी फिल हो जाता है यहाँ पे मेरा नाम आ रहा है, क्योंकि मैं पहले से ही अकाउंट इस पर बना रखा हूँ। यहाँ पर हो सकता है आपका यहाँ पर नाम ना आए। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर होम पे आ जाना है। पहले होम पे जैसे ही आ जाते हैं आप, कोई प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मुझे ख़रीदना है वॉलेट, यहाँ पे मैं सर्च कर लिया वॉलेट, जो भी आपको ख़रीदना है वॉलेट। तो जैसे मैं वॉलेट सर्च किया तो यहाँ पे मेरे पास वॉलेट आ गया। अब जो भी प्रोडक्ट आपको ख़रीदना है वैसे ही आपको यहाँ पर सर्च कर लेना है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मुझे और कुछ और ख़रीदना है, जैसे मान लीजिए मुझे ख़रीदना है टी शर्ट, यहाँ पर मुझे क्या ख़रीदना है टी शर्ट। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा यहाँ पर टी शर्ट आ गया, और यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है मैन बॉय गर्ल, यहाँ पे मेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेन आ गया। अब यहाँ पे ऐसा ऑप्शन आपको नहीं आता है, यहाँ पे ऊपर में ही आप सर्च कर सकते हैं टी शर्ट फॉर मेंस। यहाँ पे देखिए बहुत सारा टी शर्ट आ गया है। अब मैं यहाँ पे मैं आपको जो भी आपको प्रोडक्ट ख़रीदना है, जैसे आपको जूता ख़रीदना है तो यहाँ पर शू लिखेंगे, जो भी ख़रीदना है वही आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं फ़िलहाल में ये जो टी शर्ट सर्च किया हूँ ये वाला टी शर्ट मैं ख़रीदना चाहता हूँ, तो इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। जैसे ही इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाला टी शर्ट अगर आपको ख़रीदना है तो यहाँ पे देखिए नीचे दो ऑप्शन है, एक कार्ट का एक बाय नाउ का। यहाँ पे अगर आप क्लिक कर देते हैं टू कार्ट तो ये जो 26 आइटम है यहाँ पे देखिए ये ऐड टू कार्ट में है, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट लग जाएगा। यहाँ पे ये सारा प्रोडक्ट जैसे लगा हुआ है ऐसा ही ये भी प्रोडक्ट आपका लग जाएगा ये टी शर्ट भी। तो आप इसको बाद में अगर ख़रीदना चाहते हैं तो ये ऐसा लगा कर रख सकते हैं, इसमें से कभी डिलीट नहीं होता है। जब यहाँ पर ख़त्म हो जाता है प्रोडक्ट, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, मतलब कि ये सारा बिक जाता है, तब यहाँ से हटता है। अब देखिए इस प्रोडक्ट को मुझे ख़रीदना है तो यहाँ पे बाय नाउ जो लिखा हुआ है इस पर ही आपको क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे जैसे ही मैं बाय नाउ पे क्लिक किया हूँ तो यहाँ पे मुझे पूछा जा रहा है सेलेक्ट साइज, तो मेरा जो साइज लगता है वो एम साइज लगता है, तो एम साइज पर मैं सेलेक्ट कर लिया। और यहाँ पर लिखा हुआ है एस आल इशू रिटर्न अवेलेबल, मतलब कि अगर आपका प्रोडक्ट है वो गलत तरीके से आता है, मतलब कि आप ब्लैक कलर मंगा रहे हैं, जैसे यहाँ पे ब्लैक है और ये वाइट कलर का आ जाता है या फिर फटा हुआ आ जाता है, तो ये सारा इशू आल इशू इज रिटर्न, मतलब कि आपका ये जो प्रोडक्ट है रिटर्न हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा अगर आप 214 रुपये में ख़रीदते हैं। लेकिन आप 212 रुपये में ख़रीदते हैं तो यहाँ पर जब आपका प्रोडक्ट ख़राब होगा तभी रिटर्न होगा, लेकिन आप 214 में ख़रीद लेते हैं तो आपको फिटिंग भी नहीं हो रहा है या फिर कोई भी दिक्कत आ रहा है, कोई भी मतलब कि आपका मन भी नहीं है इसको लेने का, तब भी आप इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे 214 रुपये, यहाँ पे 212 रुपये, तो आप ये सेलेक्ट करिएगा 214 वाला, जिसमें प्राइस ज़्यादा होगा वही वाला आप सेलेक्ट करिएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा अगर आपको रिटर्न भी करना होगा तो।
यहाँ पे आपको साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। ऐसे ही अगर जूता लेते हैं तो उसमें जूता का साइज आएगा, शर्ट लेते हैं तो शर्ट का साइज आएगा, और यहाँ पे टी शर्ट ले रहा हूँ मैं तो टी शर्ट का साइज आ रहा है। यहाँ पे बाय नाउ पे नीचे क्लिक कर देना है। बाय नाउ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पे रिव्यू आ रहा है, मुझे रिव्यू आ रहा है, लेकिन यहाँ पे आपका एड्रेस पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एड्रेस लिखा हुआ है तो यहाँ पे चेंज का ऑप्शन आ रहा है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे एड्रेस आ सकता है। तो यहाँ पे मैं फिलहाल मैं चेंज पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो जैसे ही आपको एड्रेस पूछा जाएगा वैसे ही मुझे भी एड्रेस पूछा जाएगा। यहाँ पे मैं चेंज पे क्लिक किया, एड न्यू एड्रेस पे गया। अब देखिए आपको जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे साइज़ देख करके, आपको भी कुछ ऐसा ही एड्रेस आएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे ये हाउस नंबर लिखा हुआ है, बिल्डिंग नेम, यहाँ पे रोड नेम, एरिया, कॉलोनी, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप हाउस नंबर डालिए या फिर बिल्डिंग नेम डालिए या फिर ना डालिए, यहाँ पे देखिए आप एक चीज़ डालिएगा, अपने गांव का नाम ज़रूर डालिएगा, यहाँ पे जिस शहर में रहते हैं उस शहर का नाम डालिएगा, नहीं तो आप जिस टाउन में रहते हैं वही, जहाँ पे आपको चाहिए प्रोडक्ट वही एड्रेस डालना है। अब देखिए यहाँ पे जो मेरा एड्रेस है वो मैं कुशीनगर डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं कुशीनगर लिख दिया। अब कुशीनगर में मुझे प्रोडक्ट चाहिए, अब कुशीनगर में कहाँ चाहिए, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कुशीनगर में नियर हॉस्पिटल, मतलब कि कोई हॉस्पिटल है उसके पास मुझे चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुशीनगर नियर हॉस्पिटल लिख दिया। फिर नीचे वाले में भी मैं सेम ही कर देता हूँ, जैसे वहाँ पे ऊपर में भी लिखा हूँ नियर हॉस्पिटल, यहाँ पे भी नीचे लिखा हूँ कुशीनगर हॉस्पिटल, मतलब कुशीनगर में भी मुझे प्रोडक्ट चाहिए। आपका जो गाँव का नाम होगा वो गाँव का नाम आप लिख लीजिएगा, लेकिन अगर आप शहर में रहते हैं तो जैसे आप गुरुगाँव में रहते हैं तो गुरुग्राम यहाँ पर लिखना पड़ेगा, फिर सेक्टर लिखना पड़ेगा, गुरुग्राम सेक्टर 14-17 ऐसा कुछ आता है वो सेक्टर, गली नंबर, ऐसा सब कुछ लिखना पड़ेगा आपको। लेकिन अगर आप ऐसे नॉर्मल किसी जगह पर रहते हैं, जैसे किसी गांव में रहते हैं, तो उस गांव का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है, दोनों बॉक्स में, यहाँ पर दोनों बॉक्स में नाम डाल देना है। और यहाँ पर ये जो पिन कोड दिखाई दे रहा है ये आपके एरिया का पिन कोड होता है एक, तो जैसे मेरा पिन कोड है एरिया का 2744-02, यहाँ पर ये है मेरा पिन कोड, तो यहाँ पे मैं अपना पिन कोड डाल दिया हूँ। ये देखिए कुशीनगर यहाँ पे लिखा हुआ आ गया है, मेरा जो सिटी है या फिर आपका जो गांव होगा वही गांव का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है। और यहाँ पे स्टेट पूछा जा रहा है, तो जैसे मैं यूपी से हूँ तो यहाँ पे मैं उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लूँगा, आप जहाँ से भी रहेंगे वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। और ये ऑप्शनल है, मतलब नियर बाई शॉप पैलेस स्कूल, मतलब मेरे पास में जो जगह होगा उसका पूछ रहा है, मतलब कि मैं जिस रोड में रहता हूँ यहाँ पर पास में इंटर कॉलेज है, तो मैं लिख देता हूँ इंटर कॉलेज, ऐसा मैं लिख दिया। और यहाँ पे देखिए आपको नाम डाल देना है, मतलब कि अपना नाम डालना है जिस नाम से आप ऑर्डर कर रहे हैं, जैसे मेरा नाम रोहन है तो मैं रोहन डाल देता हूँ। यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर डाल देता हूँ 9161, और यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर जैसे ही फिल करूँगा फिर यहाँ पर मैं सेव एड्रेस पर क्लिक कर दूँगा। तो जैसे ही मैं मोबाइल नंबर फिल करके यहाँ पर सेव एड्रेस पर क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर मैं सब कुछ डाल दिया हूँ। अगर आपको ये सब लिखना नहीं है तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यूज माई लोकेशन, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे सारा कुछ लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको पिन कोड सही से डालना है तभी आपका ऑर्डर आपके पास पहुँच पाएगा। अब देखिए ये सब कुछ हो जाता है, सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं सब कुछ लिखने के बाद, सेव एड्रेस एंड कंटिन्यू पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं नीचे में, तो ये देखिए आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है। जैसे ही आपको पेमेंट का ऑप्शन आता है यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कैश ऑन डिलीवरी, यहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो जब आपका पार्सल आपके हाथ में होगा तभी आपको पैसा देना पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहें तो ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं, पहले ही ऑर्डर आने से पहले आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, पेटीएम, इंटर UPI ID और यहाँ पर वॉलेट, और यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाता है, डेबिट, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग। मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप कैश ऑन डिलीवरी में ऑर्डर मंगाएं, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, जब आपका प्रोडक्ट आपके हाथ में रहेगा तभी आपको पैसा देना पड़ेगा। जैसे ही ये कैश ऑन डिलीवरी पे आप सेलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए प्लेस ऑर्डर, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक कर देंगे ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्डर कन्फर्म। अब जो ऑर्डर है आपके एरिया में जैसे ही पहुँच जाएगा तो बंदा आपके पास कोई कॉल करेगा और कहेगा कि भैया आपका एक पार्सल है जिसको आप ले लीजिए। यहाँ पे देखिए सब कुछ आ गया, मेरा डिलीवरी एड्रेस भी आ गया है, मैं जो टी शर्ट लिया हूँ वो टी शर्ट आ रहा है, और यहाँ पे आल इशू इजी रिटर्न, और यहाँ पे देखिए साइज़ जो है M है, और कितना प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट है, एक टी शर्ट है, मतलब शॉपिंग पे क्लिक करना है। और जैसे ही नीचे दिख रहे हैं माई ऑर्डर, यहाँ पर अगर आप क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए आपका जो ऑर्डर है वो यहाँ पर लग गया है। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर प्लस, मतलब कि आपका जो ऑर्डर है वो लग चुका है। और यहाँ पर देखिए डिलीवर्ड बाई एक्सपेक्ट
एक्सेप्टेड बाय 18 सितंबर, मतलब कि 8 तारीख को लगा है और 18 सितंबर तक आपके पास अनुमान लगाया जा रहा है कि पहुंच जाएगा, उससे पहले ही पहुंच जाता है दोस्तों। यहाँ पे कोई दिक्कत का प्रॉब्लम है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाला है, यहाँ पे उससे पहले ही प्रोडक्ट आपका पहुँच जाता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आज की इस वीडियो में सब कुछ ख़त्म कर दिया हूँ, आपका जितना भी क्वायरी है सब मैं ख़त्म कर दिया हूँ। यहाँ पर आप मीशो से ऑनलाइन शॉपिंग अब आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। वीडियो पसंद आया और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और इस वीडियो को अगर आप देख लिए हैं ध्यान से, तो आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपको अभी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह से क्या बताया हूँ, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर पीछे लास्ट तक देखिएगा, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय, जय हिंद।